हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। तो जल्दी से फटाफट से सेशन के लिंक को कर दो कॉपी और शेयर कर दो जितने लोगों के अंदर आप लोग इस क्लास को कर सकते हो शेयर। तो आज हमारी रिवीजन टाइप मैराथन है जिसके अंदर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइज, मैंने आप लोगों को फिजिक्स जो है वो एक क्लास में करवा दी है ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिजिक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दी है पूरी की पूरी कंप्लीट। तो भौतिक विज्ञान हमारा डन हो चुका है, अब रसायन विज्ञान हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास एक रिवीजन क्लास है जिसके अंदर हम लोग तीनों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एक मैराथन टाइप क्लास जो है वो रखते हैं। क्योंकि आपको पता है सैटरडे इज माय फेवरेट डे। गाना सुना है, कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी। तो सैटरडे पार्टी टाइम होती है, तो सैटरडे को आप लोगों की मिक्स क्लास होती है जिसमें सारे क्वेश्चंस हम मिक्स करके पढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट से सेशन को लिंक को कॉपी करके फटाफट शेयर कर दो। आज मैं एक शानदार धमाकेदार और झकास क्लास लेने वाली हूँ 6 PM के ऊपर, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड, अभी ये तो देखो ये क्लास PRT में हेल्प करेगी 1 से 5। ये क्लास आपकी मेरे दोस्तों 6 to 8 में हेल्प करेगी। फिर आपकी 9 से 10, 11 से 12, जितनी भी आपकी जनरल साइंस आएगी उन सब में जनरल साइंस के अंदर ये क्लास आपकी मदद करेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, लेकिन आप लोगों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपकी 6 PM पे सब्जेक्ट वाली क्लास होगी मेरी, जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट रिलेटेड साइंस सीखेंगे। बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तीनों वर्गों के लिए साइंस जो है हायर लेवल की जो पार्ट बी के अंदर आएगी उसका मैराथन 6 PM पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के TGT PGT चैनल पे दोस्तों जरूर उस क्लास को अटेंड करना, मैं बता रही हूँ। तो चलो फिर, हम होंगे कामयाब, पक्का होंगे, इसी बार होंगे। बीपीएससी तैयारी में हम होंगे कामयाब इस बार। हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होके रहेंगे कामयाब इस बार। गाना चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। नुसरत प्रवीण, डोंट वरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में करवाती रहती हूँ, डोंट वरी। लेकिन PYQs में आपको और प्रैक्टिस कर, और बोलो, हुक्म कर दिया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। आपको क्वेश्चन कहता है प्राइम, वैसे मैं करवा चुकी हूँ एक बार, प्राइमरी रेनबो अपियर आफ्टर द रेन इज ड्यू टू। मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि भैया जब रेनबो आ जाती है इंद्रधनुष क्यों आता है, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष क्यों आता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है रेन ड्रॉप्स के ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, डायफ्रेक्शन होती है रेन ड्रॉप की और डबल रिफ्रैक्शन होती है रेन ड्रॉप की। तो मुझे जल्दी से बताओ, प्राइमरी रेनबो अपियर होती है आफ्टर रेन, किस वजह से आपकी ये रेनबो अपियर होती है। चलो जी बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सेशन को धपाधप शेयर करो जितने लोगों में आप लोग शेयर कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपको इंद्रधनुष दिखता है। आप बोलते हो कि वाओ मैम बरसात हुई है ना, गाना है ना, बरसात भी होकर चली गई, बादल भी बरस कर गरज गए, तो आपकी बरसात हो गई, उसके बाद देखते हो वाओ रेनबो आ गई, इंद्रधनुष। कैसे आती रेनबो? आपकी सनलाइट जो है, प्रकाश की किरणें जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर पड़ती है, पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, TIR होता है, टोटल कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद जैसी वाटर ड्रॉपलेट से लाइट निकलती है ये अपने सारे 7 रंगों के अंदर विभाजित होकर निकलती है, मतलब आपको विबग्योर दिखता है, जिससे आप बोलते हो इंद्रधनुष दिख रहा है, रेनबो दिख रही है। तो दोस्तों याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है कि सूरज की किरणें जैसे ही बारिश हुई आपके पर्यावरण के अंदर, रेन के ड्रॉपलेट्स हैं, बारिश की बूंदें जैसे ही अंदर गई आपकी, इंद्रधनुष आपकी बनती है, ये बात ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, करेक्ट यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया, बीपीएससी के प्रीलिम्स एंड अदर एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों के साइंस के बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है SI यूनिट वेवलेंथ कितने हैं, तरंग दैर्ध्य के SI मात्रक हर्ट्स होते हैं, मीटर होते हैं, एम्पियर होते हैं या फिर दोस्तों ओम होते हैं, बताओ। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, मीटर। देखो दुनिया बोलेगी हर्ट्स, सब बोलेंगे मैम हर्ट्ज हर्ट्ज हर्ट्ज, तालियां गाइस। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं यार, हर्ट्ज आवृत्ति के यूनिट्स हैं मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति। आप बोलते हो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो ऑडिबल है, हमारा कान सुन सकता है,
फिर आप बोलते हो जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति है वो इंफ्रासोनिक है, अपश्रव्य तरंगे जो हमारा कान नहीं सुन सकता, या फिर जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्तियां होती है इन्हें अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं, ये भी हमारा कान नहीं सुन सकता। ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मात्रक है, आवृत्ति के भैया वेवलेंथ के मात्रक मीटर होते हैं, याद रखना याद रखना। तरंग दैर्ध्य एक वेव, एक तरंग इसके मात्रक लैम्डा, ये डिस्टेंस होता है दो शिखा के बीच में दूरी या दो गृत के बीच में दूरी, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा। इसके यूनिट्स मीटर होते हैं, कभी भी ये गलती मत करना। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हर्ट्ज हैं, आवृत्ति के। क्वेश्चन आपके बहुत सारे बीपीएससी के पेपरों में पूछा गया है, बीपीएससी इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि उसको भी पता है आप गलती करोगे और वो सबसे पहले ऑप्शन में हर्ट्ज लगा के रखता है, क्योंकि आप एक्साइट हो जाओगे, वाओ हर्ट्ज था, टिक अगला क्वेश्चन, यहीं पे आपकी गलती हो जाएगी। एम्पियर्स दोस्तों करंट के यूनिट्स है और ओम्स आपके रेजिस्टेंस के यूनिट्स है, ये बात याद रखना। समझ गए, क्लियर है? चलो आ जाओ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, मात्रकों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे गए हैं, तो अगर आपसे प्रेशर के कोई ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होंगे गाइस? दाब का फॉर्मूला आएगा, दाब के ऐसा यूनिट आएंगे। दाब का फॉर्मूला भी लिख देना, फॉर्मूला के बाद प्रेशर को किसके अंदर मापा जाता है, कौन सी डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करती है, ये बात भी आप लोग लिख देना, तो मजा आ जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सबने बोला मैम ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। हम सब एक बात जानते हैं कि प्रेशर जो होती है, दाब वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल को प्रेशर कहते हैं। बल के यूनिट्स गाइज न्यूटन है, क्षेत्रफल के यूनिट्स मीटर स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर हुए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों पास्कल जो है ये भी प्रेशर के अदर यूनिट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। कौन सी डिवाइस है जिसमें इसको मापा जाता है, लिख के बताओ। एक्सीलेंट, जानवी त्रिवेदी ने बोला मैम बैरोमीटर, बिल्कुल सही दोस्तों, बैरोमीटर वो डिवाइस है जिसके अंदर आपके दाब को मापा जाता है, ये बात याद रखना महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमबंध सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? भीमबंध अभयारण्य बिहार के किस जिले के अंदर स्थित है? गया के अंदर, मुंगेर के अंदर, चंपारण के अंदर, या फिर बेगूसराय के अंदर? बेगूसराय, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई बेगूसराय बोलते हैं अंग्रेज, कोई बेगूसराय, जो भी है मुझे फटाफट से बताओ। भीमबंध सेंचुरी जो है बिहार की किधर प्रेजेंट है, फटाफट से। अब यहाँ पे शब्द बिहार देख लिया आपने, तो क्या बिहार से रिलेटेड आपको बहुत कुछ आता है? बिल्कुल, मैं बिहार का वासी। गाइस बिहार से रिलेटेड जो जो आपको चीजें मैंने याद करवाई है वो सब आपको लिख के बताने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, मुंगेर। अगर मैं बात करूं भीमबंध सेंचुरी किधर है, आपकी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, ये बात याद रखना। बीपीएससी ने अपने पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, बिहार से देख के मुझे बहुत कुछ याद आता है, तो चलो फटाफट से एक बारी दोनों भाई मिलके चैट के अंदर मस्त तरीके से रिवाइज करते हैं और लिखते हैं बिहार से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स। सेशन के लिंक को कॉपी करके धपा धप शेयर भी कर दो। बिहार से मुझे याद आया मैम 12 मार्च 1912 के अंदर बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। मैम बिहार से मुझे याद आया कि अगर मैं बात करूं मधुबनी पेंटिंग्स बिहार राज्य की फेमस पेंटिंग है, लिट्टी चोखा यहाँ का फेमस फूड है, छठ पूजा यहाँ की फेमस पूजा है, आपकी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बी कीपिंग की जाती है, वो भी आपकी बिहार राज्य से की जाती है। लीची हो गई, बहुत ही फेमस फ्रूट है बिहार का, और मधुमक्खी पालन के लिए लीची से ही रस संग्रहण करते हैं आपकी हनीबीज, ये बात याद रखना। बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बिहार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको बिहार के अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछे, मैंने ये भी आपको पढ़ाया कि सबसे साउथ मोस्ट कौन सा जिला है, सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, ये आप मुझे लिख के बताओगे, मैं भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये बात सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे शब्द मैंने यूज करा 22, और मैं अगर 22 अप्रैल को वर्ल्ड पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये याद करे बिना आगे जाऊंगी तो बुरा मान जाएगी, 22 नंबर, ठीक है। एक महीने के बाद 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दो लगाने के बाद बीच में दो अंडे देकर 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट आया था, और ब्राजील में मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी, ब्राजील, ला 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 ला, मैंने आपको पढ़ाई ये सारी बातें याद में रखना, क्लियर है फ्रेंड्स? ये सब कुछ पढ़ा दिया, याद भी करवा दिया, और भीम बंद आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों टाइगर्स को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यार देखो, जब टाइगर दिख जाता है ना, तो टाइगर से रिलेटेड अगर मैं फैक्ट्स या लिंक्स ना लगाऊ तो टाइगर बुरा मान जाएगा, सभी लोग जय टाइगर की, ठीक है, टाइगर के फैक्ट्स लगाओ। वेरी गुड जानवी, बिल्कुल सही
सही सही, शाबाश। जल्दी से मेरे दोस्तों टाइगर से रिलेटेड सारे फैक्ट लगाओ। क्या आपको याद है कि वर्ल्ड टाइगर डे 1973 में आया था? बिल्कुल भैया, मैंने याद करवाया है, याद होना चाहिए। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, क्या आपको याद है? बिल्कुल आपको याद है। टाइगर, एमपी को मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं मैम, हमें ये भी याद है। और आपने हमें मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स करवाए थे, चैट में लिख कर बता दो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जितने आपको याद है। चलो मेरे भाई, जितने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क आपको याद है चैट में लिख कर मेरे दोस्त फटाफट से बता दीजिए। बांधवगढ़, ठीक है, ऐसी ही होती है कहानी, ठीक है, सबको पता है ये बात मैम। बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फौसल, कान्हा और कून्हो, दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलिए गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग केम फर्स्ट टू बिहार, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन बिहार आया था? ब्रिटिश आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे या फिर डेनिश आए थे? सबसे पहले बिहार कौन आया था? मैं बिहार का वासी, सबसे पहले बिहार कौन जाएगा दोस्तों? ब्रिटिश जाएंगे। ब्रिटिश गए थे, पोर्चुगीज गए थे, आपके पुर्तगाली गए थे, डच गए थे या फिर आपके डेनिश गए थे? तो आपके सबसे पहले बिहार जो है पुर्तगाली गए थे। तो पोर्चुगीज जो है वो फर्स्ट थे मेरे दोस्तों, यूरोपियन जो एंटर किए थे बिहार की सरहद को। तो पुर्तगाली ने ट्रेड किए थे आपके स्पाइसेस, टेक्सटाइल, स्पेशली कॉटन की प्रोडक्शन रीजन, यहां पर ये आए थे मेरे दोस्तों मसाले का व्यापार एंड ऑल करने, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आपके बिहार आए थे, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। ये सारी बातें ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बिहार से, बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। उदांतापुरी एजुकेशन सेंटर किधर लोकेटेड है? चलो, उदांतापुरी एजुकेशन सेंटर मेरे दोस्तों किधर स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, या फिर झारखंड, या फिर नन ऑफ दी अबव, या मोर देन वन ऑफ दी अबव? ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया था। उदांतापुरी एजुकेशन सेंटर किधर लोकेटेड है मेरे भाई, फटाफट से बता दो। चलो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर वन, दैट इज बिहार। बिहार में उदांतापुरी एजुकेशन सेंटर प्रेजेंट है, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उदांतापुरी किधर है बिहार में? ये बुद्धिस्ट सेंटर है, ये मतलब लर्निंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो मॉडर्न बिहार शरीफ जो है आपके बिहार स्टेट में ये आपका प्रेजेंट है, उदांतापुरी। बस इतना याद रखना, उदांतापुरी किधर? बिहार में है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, लाइट एंटर द आई थ्रू, प्रकाश की किरणें आंखों में प्रवेश करती है किसकी मदद से? आई आई लेंस की, आई प्यूपल से अंदर जाती है, कॉर्निया से अंदर जाती है, या फिर रेटिना से अंदर जाती है? प्रकाश की किरणें हमारी आंखों के अंदर जाती है, जैसी आंखों के अंदर जाती है, ठीक है दोस्तों, वैसे हमें चीजें दिखती हैं। तो ये कहाँ से अंदर जाती है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थ्री है, कॉर्निया। दोस्तों हमारी आंखों में जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है ये रहा, इससे आपकी लाइट अंदर एंटर होती है। अगर मैं आयरिस की बात करूं तो हमारी आंख का जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे हर किसी की आंख अलग कलर के, किसी की नीली, किसी की भूरी, किसी की काली, किसी की नीली, किसी की पीली, तो आपकी जो कलर्ड पार्ट होता है इसे आयरिस कहते हैं। आयरिस कंट्रोल करता है कि भैया कितना लाइट को एंटर होने देना आंख के अंदर, कॉर्निया को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, आयरिस के माध्यम से कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो आयरिस और कॉर्निया दोनों याद रखना। लाइट एंटर कॉर्निया में से होती है, और आयरिस इसकी खुलना और बंद होना इसको करता है, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हेंस द नॉर्मल एंड आपके प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी? मनुष्य की कौन सी वह ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रण करती है, और आपके मानव शरीर में बाकी सारी की सारी ग्रोथ विधियों से रिलेटेड है? सेक्स ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यूरिनरी ग्लैंड, या फिर नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है गाइस, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नीतू भारद्वाज कह रही है कि मैम आपकी आईज ब्राउन है। हाँ ठीक है ब्राउन तो नहीं कह सकते, ठीक है, अब मैं बोलूंगी तो फिर आप मतलब रहने दो, मैं बता नहीं रही, छोड़ो, डायलॉग बन जाते हैं फिर। चलो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त।
हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यार, हैट्स ऑफ हो गया पूरी क्लास को। हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स याद रखना, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड है। ये क्या करता है, बाकी सारी ग्रंथियों को ऑर्डर देता है कि भैया सही समय आ गया, फटाफट से हॉर्मोन को धपाधप बॉडी में रिलीज करना स्टार्ट करो। और इनके जो पापा हैं वो है हाइपोथैलेमस, जिन्हें कहा जाता है फूफा ग्लैंड। दोस्तों हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देते हैं, हाइपोथैलेमस जो है आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है, इसके भी मास्टर ये जो ऊपर प्रेजेंट है ये हाइपोथैलेमस है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं, और फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी ग्रंथियों को ऑर्डर देता है कि फटाफट से हॉर्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर दो। चलिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, बिहार का राज्य पक्षी कौन है? सारा स्क्रेन है, कोयला है, कोयला कह रही हूँ, कोयल है, ठीक है, या फिर हाउस स्पैरो है, या घरेलू गौरैया है, या फिर आपकी सन बर्ड है। जल्दी से मुझे बताओ बिहार की स्टेट बर्ड आपकी कौन सी है। चले गाइस, स्टेट बर्ड कौन सी है? अनबॉक्स कह रहे हैं आई लव योर बोथ क्लासेस, अनबॉक्स जी थैंक यू सो मच, अनबॉक्स थैंक यू सो मच, आपको मेरी दोनों क्लासेस अच्छी लगती है भैया, सब दोनों पे। आज 6 बजे मैं टीजीटी पीजीटी वाली क्लास सेशन पे, साइंस सब्जेक्ट जिसका है ना, सब लोग जुड़ना, खतरनाक मैराथन लेने वाले, एकदम आग लग जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, ऐसे नल्ले क्वेश्चन नहीं जो पेपर में आए ना और आपको आसान लगते हैं निकालने, उसको कोई फायदा नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है मेरे दोस्तों, हाउस स्पैरो। अगर मैं घरेलू गोरैया की बात करूं तो आपकी कौन सी स्टेट बर्ड है बिहार की, वो है घरेलू आपकी गोरैया, ठीक है। तो हाउस स्पैरो को हम लोग स्टेट बर्ड कहते हैं बिहार की, ये लोकल बर्ड है बिहार की, याद में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ सोन रिवर नियर उत्तर प्रदेश बॉर्डर, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य अभयारण्य है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। दोस्तों गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, कैमूर या फिर भीम बंद सेंचुरी, बता दो दोस्तों। सोन रिवर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सी वाली प्रेजेंट है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी, अनबॉक्स गोवा, एक्सीलेंट। फ्रेंड्स जब भी आप बर्ड सेंचुरी कहीं देखो ना तो सलीम अली को याद कर लेना, टीआरई 1.0 में सलीम अली का क्वेश्चन आया था, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में प्रेजेंट है, और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। मैं बार बार इस चीज को स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैमूर। तो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोन रिवर नियर उत्तर प्रदेश है, वो आपकी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार की, सबसे बड़ी कैमूर है और सबसे छोटी नागी है। कोई पूछे सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर है, ये भी पढ़ा है मैंने, और सबसे छोटी नागी है, नागी नाग, नाग वाली नागी, ये ध्यान में रखिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड फाइबर विच इज रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित रेशा है जिसको कृत्रिम रेशम माना जाता है? रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक या फिर पॉलीस्टर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कम ऑन गाइज, शाबाश, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यार एक लाइक ठोक दो यार, लाइक ठोकने में इतने कंजूस, हम कंजूस बिहार के वासी, सेशन को लाइक नहीं करते, तो जल्दी से यार लाइक भी करो। निम्नलिखित में से कौन सा मैनमेड फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, उसको रियोन कहते हैं। दोस्तों रियोन जो होता है वो सिल्क जैसा होता है, तो उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रियोन जो होता है ना उसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। सेमी सिंथेटिक इसको क्यों कहते हैं, अद्र सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक रेशा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फाइबर होता है आपका, ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये दोस्तों हम लोगों को जो पेड़ से सेल्यूलॉस होता है ना, उस सेल्यूलॉस की मदद से आपका ये बनाया जाता है। तो ये आपका एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन जो है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ठीक है, तो याद रखना। और ये इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेयॉन आपका मेड होता है नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर से, जो वुड से हमें मिलता है उससे हम बनाते हैं, और इसको अद्र संश्लेषित सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हो रही हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ो। इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, प्लग हो गए, सॉकेट हो गए, ये मेरे दोस्तों किस चीज से बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जिसको हम सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से हीट भी कर दो तो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं जिसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं बार बार, ठीक है, चाहे आप इसको हीट करके सॉफ्ट कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक के बने
जो आप इजीली डिफॉर्म कर सकते हो हीट करने के बाद, और या थर्मोप्लास्टिक के बने हैं जिनको हम लोग ऊष्मा देने के बाद बेंड नहीं कर सकते। बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कम ऑन गाइस, एक एक स्टूडेंट बता दे। थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो जो गलत दे रहे हैं ध्यान रखना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कहानी सुनो मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ एक बहुत ही ज्यादा मस्त चीज, ठीक है? अब प्लास्टिक की कहानी क्या है, जैसे ही हम प्लास्टिक को जलाते हैं ना, प्लास्टिक अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था एक बारी पहले, अपने कंघे को जला दिए थे दोस्तों मैंने यहाँ क्लास माचिस से। तो हमारी शेप को चेंज कर लेते हैं प्लास्टिक, जैसे ही आप इनमें आग लगाते हो। मेरे पास कुछ भी है, प्लास्टिक का पेन है ये, आप इसको आग लगाओ ये अपने आकार को बदल लेगा, ठीक है? प्लास्टिक के ढक्कन, टिफन के ढक्कन को आकार लाओ, ये अपने आकार को बदल लेते हैं आग लगाने पर। इनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जिनको हीट देने पर ये अपने शेप को, अपने आकार को बदल ले, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं फ्रेंड्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है भाई? इनकी हो रखी है सेटिंग, इश्क वाला लव। तो अब इश्क वाला लव हो चुका है, आप इन दोनों के प्यार में जितनी मर्जी आग लगा दो दोस्तों, ब्रेकअप नहीं होगा, इनकी सेटिंग खराब नहीं होगी। इन्हें थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अगर एक बारी सेट हो गए आपस में तो सेट हो गए। आप जितनी मर्जी हीट दे दो, जितनी मर्जी ऊष्मा दे दो, ये कभी भी अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। जितने भी आपके स्विच बोर्ड हैं ये बैकलाइट के बने होते हैं। बैकलाइट और मेलामाइन आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। जो भी आपके स्विच बोर्ड हैं ये सारे बैकलाइट के बने होते हैं, ठीक है? आप स्विच बोर्ड में जितनी मर्जी आग दे दो, कभी भी स्विच बोर्ड अपनी शेप को चेंज नहीं करते। जितने भी किचन वेयर्स हैं वो भी सारे मेलामाइन के होते हैं। जैसे आपकी टाइल्स होती है ना किचन में, वो सारी उनपे मेलामाइन की कोटिंग होती है, क्योंकि इनमें आग नहीं लगती, फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 25 जूल्स, जब हम इसको मूव करते हैं कितना डिस्टेंस, 500 मीटर, फोर्स कितना लग रहा है इस पे बल, ये आपको बताना है। किसी वस्तु की ऊर्जा 25 जूल से परिवर्तित होती है जब वह 500 मीटर की दूरी को तय करती है, उस पर लागू बल की गणना आपको बतानी है कितनी होगी। चलो क्या बात है नीतू, मजा आ गया। नीतू भारद्वाज ने बोला कि मैं, मैंने आपको शॉर्ट में देखा था, आप किचन में थी। बिल्कुल दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप लोग चैनल पे देख सकते हो। मैं किचन में थी, किचन में मैंने एक प्लास्टिक को जला के दिखाया कि ये प्लास्टिक ने अपनी शेप बदल ली, ये आपका थर्मो प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिन जो अपनी शेप को नहीं बदलते। तो दोस्तों डे टू डे लाइफ के साथ शॉर्ट्स में बनाती थी, बिल्कुल सही देखा आपने और याद भी रखा, ऐसे ही चीजें याद रहती हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 है, नन ऑफ द अबव। दोस्तों एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी है, 25 जूल, और वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, 50 मीटर, कितना बल लगेगा। हम सब जानते हैं कि फोर्स होता है आपका, वर्क होता है आपका कार्य, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को एनर्जी या कार्य दे रखा है 25 जूल, वर्क के यूनिट भी जूल है, एनर्जी के भी जूल है। फोर्स आपसे पूछा, डिस्टेंस दे रखा है 500, आपने सॉल्व करा 0.05 आया। आप बोलोगे मैम 0.05 तो ऑप्शन में दिया है, लेकिन मेरे बेटे 0.05 यहां पर आपको मीटर लिखा है, न्यूटन, यूनिट्स न्यूटन होते हैं बल के। आप ऐसे ही करोगे, मीटर को टिक लगा के आओगे ऑप्शन नंबर 3 और बोलोगे मैम मेरा ना बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट हो नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया यार, मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी, एग्जामिनर ने मेरे को नंबर ही नहीं दिए। कैसे देगा नंबर, न्यूटन होते हैं फोर्स के यूनिट, किसी ने नहीं देखा, 0.05 मीटर लिखा है, इसका आंसर 0.05 न्यूटन होगा। दोस्तों याद रखना, अगर आप लोगों को एनर्जी दी है यानी कि आपको वर्क दिया है, दूरी आपको दी है, हमें पता है कार्य होता है बल इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 0.05 न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका प्रतिरोध 25 ओम्स है और एक रेजिस्टर है 5 ओम्स, 5 ओम्स का जो कनेक्टेड है इसके साथ सीरीज में। दोस्तों 60 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, करंट बताओ कितना है, ठीक है? आफरीन खान, में शॉर्ट वीडियो के लिए एक बारी करती हूँ डिस्कस, आपकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगी, बताओ। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका प्रतिरोध, जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, वो मेरे दोस्तों एक रेजिस्टर 5 ओम के साथ आपका जुड़ा हुआ है, ये सीरीज के अंदर है, 60 वोल्ट बैटरी के साथ लगा है। आप लोगों को ये बताना है फटाफट से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 2 एम्पियर्स, ठीक है? चलो कैसे करें, अब 25 ओम को लगा दिया 5 ओम की बैटरी के साथ और सीरीज, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब भी निकाला जाए तो हम 25 + 5 30 करेंगे दोस्तों, हम R1 + R2 को ऐड कर देते हैं।
सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम मतलब करंट के पास भागने का एक रास्ता हो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर करंट के पास भागने का एक से ज्यादा रास्ता हो तो हम उसे पैरेलल कहते हैं, समानांतरण क्रम संयोजन। ठीक है, समानांतरण क्रम में 1/Rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 से प्रतिरोध को निकाला जाता है। समानांतरण प्रतिरोध में आप पहले एक प्रतिरोध का रेसिप्रोकल करेंगे, फिर 1/ दूसरा प्रतिरोध लिखेंगे, यहां से निकालेंगे। सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, R1 + R2 पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना। तो इधर हो गया ये 30, और हमें पता है ओम नमः शिवाय, ओम लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। वोल्टेज कितनी है 60, करंट कितना है पता नहीं निकालना है, प्रतिरोध कितना है 30, तो 60/30 करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस 2 एम्पियर है। आपको होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, देखो ये करंट आ रहा है, करंट के पास भागने के 3 रास्ते हैं, R1 में से भी जा रहा है, R2 में से भी जा रहा है और R3 में से भी जा रहा है। तो ये आपका समानांतरण क्रम संयोजन है प्रतिरोध के लिए। अगर एक ही रास्ता हो करंट के पास तो उसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य कथन सत्य वचन कौन सा है। सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस विषमांगी मिश्रण है, सस्पेंशन निलंबन की बात करूं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है समांगी मिश्रण है। पार्टिकल सॉल्यूशन के हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब अपनी नंगी आंख से सॉल्यूशन के कणों को हम देख सकते हैं। ये सस्पेंशन के पार्टिकल 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। फ्रेंड्स आपको सही कथन बताना है करेक्ट, फटाफट से देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। यार सेशन को एक एक लाइक ठोक दो, फिर कंजूसी लाइक करना है। 200 लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, सेशन को एक एक लाइक सभी लोग फटाफट से ठोक दें। चलो लाइक कर दो सेशन को, जितना आप लाइक कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। दे दोस्तों देखो, सॉल्यूशन जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण नहीं होते। सस्पेंशन विषमांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण नहीं होते। हम सॉल्यूशन के कण इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी नंगी आंख से नेकेड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल सस्पेंशन के जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, यही कथन सही था। सबसे पहले हम इन शब्दों का मतलब समझेंगे कि मैम ये विषमांगी और समांगी शब्द का मतलब होता क्या है। दोस्तों मैं आपके घर गई, मैंने बोला कि यार मुझे बड़ा मन कर रहा है कुछ अच्छा पिलाओ, आपने बोला मैम नींबू पानी बना देता हूँ। मैं क्या ठीक है, ये नींबू पानी जो मैंने पिया ऊपर से पिया सेम टेस्ट, बढ़िया, नीचे से पिया सेम टेस्ट, और नीचे से पिया सेम टेस्ट, हर एक तरफ से सेम टेस्ट है, मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट है। थ्रू आउट मेरे दोस्तों एक समान संगठन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण। जिसमें एक समान संगठन होता है ओवरऑल पूरे में उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी पी लो। इसके कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, आप इन्हें नंगी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते। हेटरोजीनियस विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे मैं आपके घर रोज जाने लगी, आपने बोला यार मैम तो रोज आ जाती सिर खाने, इनको मिट्टी वाला पानी पिलाता हूँ, आपने पानी के ग्लास में मिट्टी डाल के दे दी। अब मैं मिट्टी के कणों को देख सकती हूँ नेकेड आई से, बिल्कुल, मैंने पानी को रखा तो ऊपर पानी था नीचे मिट्टी थी, तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, ऊपर से पी रूं पानी आ रहा है, नीचे से पी रूं मिट्टी आ रही है। नींबू पानी में पूरा हर जगह से सेम आ रहा था क्योंकि एक समान संगठन था, हेटरोजीनियस का एक समान संगठन नहीं होता, इन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं दोस्तों। और इनके कण 1 नैनोमीटर से, इनके जो कण होते हैं वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, निलंबन, निलंबन आपका एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है, एक विषमांगी मिश्रण है, जिनके कण जो है वो आपके 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। ठीक है, क्या बात है। अर्चना विद श्रीहरि, अर्चना विद श्रीहरि ने बोला हाय मैम गुड मॉर्निंग, मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखती हूँ, लाइव नहीं देख सकती। अर्चना बहुत खुश हुई आप क्लास में आए, धन्यवाद। चलो, सूरज ड्राइव करता है फर्स्ट 120 किलोमीटर 2 घंटे में, अगले 180 किलोमीटर 4 घंटे में, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरे इंटायर ट्रिप की अगर बात करें, किलोमीटर पर आवर में उसकी औसत चाल क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर। सूरज ड्राइव करता है मेरे दोस्तों 120 किलोमीटर 2 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 4 घंटे में, उसकी औसत चाल पूरे इंटायर ट्रिप के अंदर किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, 20, 50, 60 या फिर 40। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस क्या होगा। संध्या 6 to 8 के लिए, शाम को 6 बजे क्लास है, लेकिन ये क्लास भी 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 6 to 8 सब्जेक्ट साइंस पढ़ना है तो शाम को 6 बजे, लेकिन 6 to 8 के पेपर के अंदर जो पार्ट ए आते हैं ना
उसके अंदर जनरल साइंस आती है, हम वो पढ़ रहे हैं। ये आपको 6 to 8 जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो मेरी ये वाली क्लास भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरी शाम वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है। 6 बजे टीजीडी पीजीडी चैनल पे आज शानदार मैराथन होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अटेंड करना। और अभी सुबह 10 बजे आपकी यहाँ पे क्लास होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो चलो दोस्तों देखें, हमें पता है औसत चाल होती है कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 120 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर यानी कि 300 किलोमीटर ये आपकी टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस आपका टोटल टाइम क्या है, पहले 2 घंटे गाड़ी चली फिर 4 घंटे, टोटल टाइम है 4 + 2 यानी कि 6। टोटल डिस्टेंस हो गया 180 प्लस 120 और नीचे डिवाइड बाय 6। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करें तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, 300 डिवाइड बाय 6 तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न स्पीड डिस्टेंस टाइम के या स्पीड डिस्टेंस टाइम के ग्राफ्स के क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछता है। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कम ऑन, 9 से 10th की क्लास प्रियंका कुमारी, ये 9 से 10th के लिए पार्ट ए में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप 9 से 10th की सब्जेक्ट की क्लास चाहते हो तो वो 6 बजे होती है। 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, 6 PM पे क्लास होती है जिसमें हम हायर लेवल की साइंस पढ़ते हैं। ये जनरल साइंस है, पीआरटी लेवल। आपके जितने भी 6 to 8 के पेपर हैं, 9 to 10, 11 to 12, उन सब में पार्ट ए के अंदर कुछ विज्ञान के क्वेश्चंस, कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन, बिहार जी के क्वेश्चन, आपके नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन, एक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यहाँ कवर करते हैं। पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट पार्ट बी जिसमें सिर्फ साइंस आपका सब्जेक्ट है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, वो शाम को 6 बजे होती है, वो थोड़ी हायर लेवल की क्लास। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फ्रेंड्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो त्वरण के बारे में बताती है। देखो, मैंने आपको ग्राफ्स के ऊपर एक चीज समझाई थी, ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी लिखा होता है ना, उन दोनों के बीच में रिश्ता एक ग्राफ बताता है। अगर वेग और समय लिखा है तो वेग और समय का रिश्ता है त्वरण, वेग में परिवर्तन समय के साथ एक्सेलरेशन कहलाती है त्वरण। तो अगर कभी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमें हमेशा एक्सेलरेशन की नॉलेज ही देगा, त्वरण की नॉलेज ही देगा, क्योंकि वेलोसिटी वेग और समय में जो रिश्ता क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, DSSS भी NTT के लिए यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है गाइस। कोई भी स्टूडेंट जो पेड कोर्स को खरीदना चाहता है, वो जहां पर डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है इसको क्लिक कर रितिका कूपन कोड को लगाकर मेरे साथ पेड बैच के अंदर जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को शानदार कर सकता है। तो जिस भी स्टूडेंट को पेड बैच मेरे दोस्तों लेना है, रितिका कूपन कोड को लगाकर आ सकता है। हीट इज मेजर्ड बाय, दोस्तों ऊष्मा को निम्नलिखित में से किस द्वारा मापा जाता है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर या फिर नन ऑफ द अबव, बताओ। चलो, हीट को मेजर किया जाता है, ऊष्मा को निम्नलिखित में से किस द्वारा मापा जाता है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, कैलोरीमीटर। तो आपके कैलोरीमीटर की मदद से आपकी ऊष्मा को मापा जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापता है, बहुत सारे लोगों ने ए ऑप्शन दिया, मैम थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तापमान को मापेगा मेरे दोस्तों, लेकिन जो आपका कैलोरीमीटर है ये आपकी ऊष्मा को मापता है। अब देखो सिस्टम क्या है हमारे पास, ये है कैलोरीमीटर, इसको कहते हैं, यहाँ पे हम अपने सैंपल को डालते हैं। मान लो सैंपल बहुत ज्यादा गर्म है आपका, आप सैंपल को डालोगे, इधर आपका पानी प्रेजेंट है, यहाँ लगाया आपने थर्मोमीटर, ठीक है, आपके यहाँ पे हम मेजर करते हैं, ये आपका सैंपल होता है। अब होता है क्या, ये स्टरर होता है जो कि, सॉरी ये स्टरर है जो कि इसको घुमा रहा है, और इधर हमारा प्रेजेंट है सैंपल। सैंपल क्या है आपका, गर्म, बहुत हीट अप है आपका सैंपल। ऊष्मा जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ दोस्तों मूव करती है, सैंपल गर्म है, हीट जो है वो बाहर की तरफ, पानी की तरफ आपकी जाना शुरू करती है, जिससे पानी गर्म हो जाता है। अच्छा, हमें पता चल जाता है कि यार पहले कितना टेम्परेचर था, हीट जो है ऊष्मा वो बाहर निकल रही है कैलोरीमीटर में, तापमान कितना होगा। तो कैलोरीमीटर बेसिकली आपके टेम्परेचर, आपकी हीट को, ऊष्मा को माप करने में कैलोरीमीटर मदद करता है, याद रखना। बैरोमीटर प्रेशर को मापता है और थर्मोमीटर आपके तापमान को मापता है, ये बात सबको याद रखनी, ठीक है, क्लियर है। देन चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोटिंग ऑफ विच प्लास्टिक इज यूज्ड ऑन यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फायरमैन होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी, जो उनकी सूट वो पहनते हैं, उन सूट के ऊपर किस चीज की कोटिंग को लगाया जाता है ताकि आग उनकी उनपे ना लगे, फ्लेम रेजिस्टेंस हो। जो पॉलिथीन को लगाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को लगाते हैं, मेलामाइन को लगाते हैं या फिर बेकलाइट को लगाते हैं। कोटिंग किस प्लास्टिक की यूज की जाती है, यूनिफॉर्म फायरमैन की जो शर्ट होती है, कपड़े होते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए, पॉलिथीन, पीवीसी, मेलामाइन या फिर बेकलाइट,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, और आज 6 बजे सभी मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे टीजीटी पीजीटी के मैराथन बीपीएससी टीआरई 3.0 101% क्वालिफिकेशन महामैराथन है आज, शानदार क्लास है शाम को 6 बजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, मेलामाइन। तो आपकी फायर रेजिस्टेंट जो सूट पहनते हैं कोट, उसके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग मेरे दोस्तों लगाई जाती है, क्योंकि मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर आग मेरे दोस्तों नहीं लगती। तो मेलामाइन पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है मेरे दोस्तों। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होती है ये, यानी कि इसकी सेटिंग एक बारी हो गई तो जितनी मर्जी आप आग लगा दो, ये अपनी सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे। तो जो आग में खेलते हैं मेरे दोस्तों जाबाज खिलाड़ी, उनके सूटों पे मेलामाइन की कोटिंग होती है। किचन की आपकी टाइलें हैं, किचन वेयर है, उनके अंदर भी मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, ताकि एकदम ऐसा ना हो ना, क्योंकि आग में खेल रहे हैं आपको किचन में, ऐसा ना हो कि फटाफट से लो आग ही लग जाए। तो आपकी आग को बचाने के लिए ये कोटिंग लगाई जाती है। लाइट ईयर क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रकाश वर्ष, फटाफट से बताओ सभी लोग, सेशन को एक लाइक ठोक दें, सेशन को शेयर कर दें जितने लोगों के अंदर, आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हो। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी, या फिर मीन डिस्टेंस बिटवीन आपकी सनबर्ड एंड प्लैनेट। चलो बता सकते हो, हम सबको पता है लाइट ईयर का मतलब होता है दूरी जो कि प्रकाश ने एक वर्ष में अंतरिक्ष में गुजारी, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। फ्रेंड्स लाइट ईयर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें प्रकाश वर्ष से पूछा जाता है। अच्छा ऐसे पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसके यूनिट्स हैं, डिस्टेंस को मापने के यूनिट्स हैं। लोग बोलते हैं प्रकाश को मापने की यूनिट है, भैया प्रकाश को क्यों मापेंगे, दूरी को मापेंगे। कितनी दूरी एक प्रकाश एक साल में अंतरिक्ष में गुजार देगी, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज बेस्ट क्वालिटी कोल, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया एकदम मस्त रापचिक झकास क्वालिटी कोल की पीट है, सब बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, या फिर बिटुमिनस है, बताओ एक बारी, कम ऑन। आवाज चलो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप ऑफ कोल बेस्ट क्वालिटी कोल है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा चुकी हूँ पूरी, अब मैं आपको केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री करा दूंगी दोस्तों एक क्लास में, और पूरी एक क्लास में पूरी आपको बायो करा दूंगी, फिर एक क्लास में हम नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, फैक्ट्स सब कर लेंगे। तो आपके पास कुल आने वाली 3-4 क्लासेस बीपीएससी की तैयारी में धूम मचवा देगी आपकी, तो आप क्लासेस को जरूर अटेंड करना। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप ऑफ कोल बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिटुमिनस है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो कोल की, वो आपकी बिटुमिनस की है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, पीट के अंदर सबसे कम है, ठीक है। इनमें से बिटुमिनस के अंदर मोर कार्बन है प्री पीट और लिग्नाइट के मुकाबले में, तो हम बोलेंगे कि इन सारे ऑप्शन में से बिटुमिनस बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला आपका होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइनी फिल्टर जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वेस्ट को फिल्टर करने में मदद करते हैं, वो पेल्विस है, नेफ्रॉन है, एल्वली है, वायुकोष्टिका है, या फिर आपका मूत्र वाहिनी है, यूरिटस है। हमारी किडनी के अंदर छोटे 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 मेरे दोस्तों यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे रक्त को साफ करने में और टॉक्सिन्स को, वेस्ट को बॉडी से बाहर करने में मदद करते हैं, वो क्या है, नेफ्रॉन है। सभी लोग याद रखें ऑप्शन नंबर 2, कुछ लोग ऑप्शन नंबर 4 लगा रहे हैं, नहीं यार, हमारी किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, मूल आपकी जो इकाई है, वो है आपकी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे रक्त को साफ करने में मेरे प्यारे दोस्तों मदद करते हैं, ये बात याद रखना, आपके ब्लड को साफ कर देते हैं और यूरिन आपकी बॉडी से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ऑर्गेनिज्म को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ मिला दो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासाइट, या फिर सेप्रोफाइट। तो चलिए गाइस, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, मशरूम, अमीबा, एल्गे, या कस्क्यूटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलो बताओ फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से लगा दें भैया, और क्लास के अंदर लाइव आया करो यार सुबह 10 बजे। मैच करो द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपके ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासाइट, या फिर सेप्रोफाइट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं ऑटोट्रॉप्स की बात करूं, जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं दोस्तों, वो है आपका शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बना सकता है। होलोजोइक, पैरासाइट और सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट मेरे दोस्तों वो होते हैं जो कि किसी मृत के ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, ये है आपके मशरूम्स।
पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं ताकि वहां से उन्हें पोषक मिले, वो है आपका कस्क्यूटा अंबरबेल, और होलोजोइक आपका अमीबा है दोस्तों। तो आपका ये है शैवाल जो कि खुद अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण करके। अगर मैं बोलूं कस्क्यूटा के बारे में, ये अंबरबेल है जो होस्ट प्लांट के ऊपर लटक के रहती है, इसी से सारे पोषक को चूस लेती है, खुद से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, कोई भोजन नहीं बना सकती, और आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा देते हैं। और मशरूम मेरे दोस्तों मृत जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं कि भैया हमें खाना दे दो, हमें न्यूट्रिशन दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही कथन क्या है, बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, मैं सांस लेता हूं ठीक है, अंदर क्या लेता हूं, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर के अंदर, दोनों के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, या फिर एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बताओ कम ऑन। सुनील कह रहे हैं कि मैम हम बीपीएससी एग्जाम को लेकर नर्वस हो रहे हैं। भाई नर्वस होने की क्या जरूरत है, नो नीड, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया अपनी तैयारी करो, सेशंस देखो, रिवाइज करो, और पेपर में कूद जाओ। आपको है, अगर आप किसी को भी पढ़ना है यार ढंग से देखो, फर्क तो पड़ता है। कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, रितिका कूपन कोड को लगा के बिंदास पेड कोर्स खरीद लो ठीक है, तो वहां से भी तैयारी कर लो। जिसको सिर्फ YouTube से पढ़ना है वो YouTube से पढ़े, बढ़िया कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी को जोरदार रखो, डरो मत, डरने से क्या होगा ठीक है, एग्जाम निकल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो ए है इनहेल्ड एयर है जो हम अंदर ले रहे हैं या जो हम बाहर निकाल रहे हैं, दोनों के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर हम सांस लेते हैं ना, मैं सांस लेता हूं, तेरी खुशबू आती है, उस खुशबू में 20.7% ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, जब आप सांस छोड़ते हो तो 14% ऑक्सीजन आपकी बाहर भी निकलती है। आपकी सांस अंदर लेते हुए 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, साथ में जल वाष्प भी जाते हैं, और 78% नाइट्रोजन भी अंदर जाते हैं। आपने सांस ली, नाइट्रोजन दे अंदर, वाटर वेपर भी दे अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे अंदर, और ऑक्सीजन भी दे अंदर। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो अपने पे ऑक्सीजन भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, सबके सब दोस्तों बाहर निकलते हैं, लेकिन अंदर जाने की परसेंटेज ऑक्सीजन की ज्यादा है और बाहर निकलने की कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज अंदर जाने की कम है और बाहर निकलने की ज्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी कोशिकाओं में से भोजन को तोड़कर ऊर्जा को बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंकती है। ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जर्नर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर रोमन रॉक। हाँ अद्वित बिल्कुल ठीक है, चलो 1 बजे टीजीटी की क्लास होगी ठीक है। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ये पेड बैच की बात है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जर्नर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर रोनल्ड रॉस। जो आपकी वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की दोस्तों, इसका आविष्कार आपके ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ड जर्नर द्वारा किया गया था। कुछ लोग लिख रहे हैं एलेक्जेंडर, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी ठीक है। एडवर्ड जर्नर ने आपकी छोटे चेचक की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट कॉच ने ट्यूबरकुलोसिस, रोनल्ड रॉस ने मलेरिया, मच्छर हूं मैं लुही मेरा नाम, तो मलेरिया की मेडिसिन का आविष्कार रोनल्ड रॉस ने किया था। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, मेरे भाई वो मस्कीटो है जिससे आपका मलेरिया जो है वो फैलता है, फीमेल मादा एनोफिलिस मस्कीटो, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द बल्ब फिलामेंट, मेरे दोस्तों बल्ब फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो ग्लोइंग प्रॉपर्टी होती है उसकी, या फिर वो सस्ता होता है, सस्ता एंड टिकाऊ। तो चलो टंगस्टन का इस्तेमाल बल्ब फिलामेंट में क्यों किया जाता है, बताओ, वाई टंगस्टन इज यूज इन द बल्ब फिलामेंट, ड्यू टू उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी, या फिर ये चीप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है यार, बहुत उच्च टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होता है, अगर ये जल्दी से मेल्ट होता तो बल्ब फट फटाफट फटफट फारा हो जाता, तो इसीलिए तो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता बल्ब, तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसीलिए आपके बल्ब में टंगस्टन को यूज किया जाता है उच्च गलांक के कारण, ताकि आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो उसमें से, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना दोस्तों हीट प्रोड्यूस होती है ऊष्मा ठीक है, तो ऊष्मा अगर उसमें से पास हो भी रही है बल्ब में से, तब भी वो फिलामेंट को पिघला नहीं रही जल्दी, फिलामेंट फ्यूज नहीं हो रहा, नहीं तो बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाए।
एक्स एंड वाई आर एलिमेंट विच आर हाईली रिएक्टिव इन एयर, हेंस इनको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ये एक्स और वाई क्या होते हैं? एक्स और वाई आपके ऐसे तत्व हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इन्हें कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। ये एक्स और वाई क्या हैं? चलो कम ऑन गाइस, शाबाश, चक्के फट्टे, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या है। एक्स और वाई एलिमेंट हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं एयर में और कैरोसिन के अंदर इन्हें स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोडियम एंड पोटेशियम। दोस्तों सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि जैसे ही ये एयर के साथ संपर्क में आते हैं ना, रिएक्शन कर देते हैं। आप पानी की टंकी में सोडियम या पोटेशियम को फेंक के देखो दोस्तों, ब्लास्ट हो जाएगा, टंकी फट जाएगी, कसम से। किसी भी चीज में आप सोडियम और पोटेशियम को फेंको, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको पानी के अंदर तो रख ही नहीं सकते। पानी से इनका घनत्व कम है, वाटर से इनका घनत्व कम है, तो जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे ये तो एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी चीज के अंदर इन्हें रखा जाता है जिससे इनकी घनत्व ज्यादा हो, जो कि कैरोसिन है। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में जब रखते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है कैरोसिन से, तो ये अंदर रहते हैं चुपचाप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां से ढक्कन खोला, खोल भी दिया तब भी अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एयर इनके पास नहीं पहुंच सकेगी, कैरोसिन के अंदर हमने इन्हें रखा है। ये बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत बहुत रिएक्टिव हैं, क्योंकि आप सब जानते हो, एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने करवाई थी, केदारनाथ भाई कमाली, आलू जरा फीके नीके से पकाता है, क्यों है ऐसे आलू पकाता, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा है कि केदारनाथ दोनों बहुत रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो आपके पोटेशियम एंड सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन बेकिंग सोडा, कॉमनली यूज्ड इन किचन। रसोई में आमतौर पे उपयोग होने वाले बेकिंग सोडा का कौन सा रसायन पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाईकार्बोनेट, सोडियम बाईकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फाइड। बेकिंग सोडा, जैसे कभी कभी मन होता है यार बारिश हो रही है, भाई छोले भटूरे खा लेते हैं या फिर क्रिस्पी पकोड़े खा लेते हैं, मजा आ गया, तो इसको मेरे दोस्तों यूज किया जाता है किचन के अंदर, भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन नंबर थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, NaHCO3, इसका इस्तेमाल किचन में छोले भटूरे एंड ऑल बनाने में करते हैं। अच्छा, चैट के अंदर वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध से ही सफेदी, दोस्तों गाना सुना है, निर्मा से आई सुंदर कपड़ा भी खिल खिल जाई, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड्स मुझे फटाफट से बताओ, वॉशिंग सोडा बोले तो धोने का सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। बेकिंग सोडा NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा गाइस क्या है ये आपको बताना है, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2, बिल्कुल विद्रोही, बिल्कुल ठीक है, Na2CO3.10H2 आपका वॉशिंग सोडा है, ये याद रखना। ठीक है, NaHCO3 ये आपका बेकिंग सोडा है दोस्तों, CaSO4.5H2O इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ये सारे आपको याद में रखने हैं। कॉस्टिक सोडा आपका NaOH है भाई, इन सबसे क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर दोस्तों पूछा जाता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर कोई पूछ ले तो CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये सारे के सारे रासायनिक सूत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रश्न एग्जामिनर पेपर में पूछता है। फिनोफ्थलीन भैया, इसमें मैंने आपको सिखाया था उल्लाके तीन पैग बल्ली है, इस गाने से रिलेटेड है इसका कोड। तो फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, और इसका कलर जो है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, क्षारीय और अम्लीय और क्षारीय सोल्यूशन के अंदर फिनोफ्थलीन का रंग दोस्तों क्या होता है, लाल नीला, नीला लाल, पिंक कलरलेस या कलरलेस पिंक। तो बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो गाइस, मैंने आपको एक कोड याद करवाया था, ब्लेंडर प्राइड, याद है ऐसे करके ठा ठा, ठीक है, तो ब्लेंडर प्राइड मैंने आपको याद करवाया था। आपको बीपी याद रखना है, बीपी एक अल्कोहल का नाम है मेरे दोस्त, दारू का नाम है। बी बोले तो बेस, ई बोले तो पिंक, फिनोफ्थलीन बेस के साथ क्षार के साथ आपका पिंक कलर दिखाता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी, ये दिल हो गया दोस्तों, वैसे भी जब गुलाबी कलर है ठीक है उसके साथ बीपी रिलेट हो ही रहा है, तो ब्लेंडर प्राइड एक अल्कोहल का नाम है। आपका फिनोफ्थलीन बेस के साथ, बी से बेस, क्षार के साथ पिंक कलर दिखाता है, ये याद रखना। वैसे ये कलरलेस होता है, रंगहीन, तो अम्ल के साथ ये कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं दिखाएगा, लेकिन बेस के साथ ये आपका गुलाबी कलर का हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है सबको भाई? फिर से बता रही हूँ, पेड कोर्स लेने का है अगर तो रितिका कूपन कोड लगाकर ले लेना, और पेड कोर्स में बढ़िया अपनी तैयारी करके TRE 3.0 को क्वालिफाई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन इज, संश्लेषण की विशिष्ट अवस्था ऊष्मा क्या होती है बताओ। कुमार कह रहे मैम मेरा नाम नहीं लेती, कुमार जी लो ले लिया आपका नाम। कुमार रोशन ले लिया मैंने आपका नाम। चलो गाइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन मेरे दोस्तों, संघनन की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट आपकी क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। सबसे पहले संघनन फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। अगर आपको नहीं पता, फ्यूजन को गलना भी कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो कितनी हीट हमें चाहिए अगर हम 1 kg को आइस को मेल्ट कर दें, उसे मेरे दोस्तों स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, एक ऐसी ऊष्मा जो चुपके से आबंधों को तोड़ती है, चीज को जैसे ठोस को द्रव्य में चेंज कर रही है, लेकिन दुनिया को वो नहीं दिख रही, वो हीट दुनिया को दिखाई नहीं देती, इसको दोस्तों स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहाँ पे बर्फ के पीस है, ठीक है, मैं नीचे से हीट दे रही हूँ, मैं थर्मोमीटर पे रीडिंग नोट करूंगी ना 50 डिग्री सेल्सियस है, 10 मिनट बाद भी 50 ही होगी, ये रीडिंग दिखेगी नहीं आपको बढ़ी हुई, क्योंकि जो आप नीचे से ऊष्मा दे रहे हो ना, वो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाकर उनको तोड़ रही है। आपने जैसे इसको हीट दी है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ के काइनेटिक एनर्जी ये आपके ब्रेक हो रहे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं और ये मेल्ट हो रही है, ठीक है, मेल्टिंग हो रही है आपका। जब ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब आपको टेम्परेचर दिखेगा एकदम से 100, 200, 300 जितना भी होगा XYZ, ठीक है। तो लेटेंट हीट छुपी हुई हीट होती है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, जो कणों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल, बस इनको तोड़ना। हम जैसे ऊष्मा देते हैं, पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तेज 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 वाइब्रेट करते हैं और ठक करके टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है जी, क्लियर है, डन। चलो भैया, When the soil is too acidic, it is treated with a base like, जब आपकी मृदा बहुत अम्लीय हो जाती है तो कौन से क्षार के साथ इसको ट्रीट किया जाता है? चलो, जब आपकी, मेरे दोस्तों, मृदा बहुत अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो कौन से क्षार के साथ इसको ट्रीट करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 3 है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब भी आपका जो सॉयल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है, अम्लीय हो जाता है, तो हम इसको एक क्षार के साथ ट्रीट करते हैं, और वो क्षार जो है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर मृदा बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, क्षारीय हो जाए, तो हम ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं इसको नॉर्मल करने के लिए। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से TRE 1.0 और 2.0 के अंदर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले क्विक रिवीजन हम लोगों को करनी है, फटाफट से मैं 2-4 गूगली क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, उनके आंसर चैट के अंदर लगाओ, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरे दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य का नेशनल पार्क है? फटाफट से मुझे चैट के अंदर फुल स्पीड पे हम सबको आंसर देना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य का नेशनल पार्क है, जल्दी बताओ। एक एक स्टूडेंट आंसर देगा, रैपिड फायर रिवीजन का समय हो गया है, तो अब आपका रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट है। साइलेंट वैली केरला राज्य का, बहुत बढ़िया, शाबाश। केरला के बाकी नेशनल पार्क भी लिख दो, मैंने आपको बोला था 16 नाम के सारे नेशनल पार्क केरला में है, अनामुदी शोला, मत्थिकेतन शोला, पंपादुम शोला, इराविकुलम पेरियर और साइलेंट वैली। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर आपका कौन से साल में आया था? चैट में फटाफट देखो, स्पीड होनी चाहिए पूरी, क्योंकि रैपिड फायर रिविजन है। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में आपका आया था बताओ। परत का डिप्लीशन डे कौन से दिन पे मनाया जाता है बताओ, जल्दी बताओ, कब मनाते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन डे? कम ऑन गाइज, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन, 16 सितंबर, फिर से आयाश ने सबसे पहले आंसर दिया, 16 सितंबर को ओजोन लेयर डिप्लीशन डे मनाया जाता है। वो कौन सा प्रोटोकॉल साइन हुआ था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल में कम से कम छोड़ेंगे, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, फटाफट बताओ।
क्या है मेरे दोस्तों उस प्रोटोकॉल का नाम? ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है मेरे भाई, क्वेटो प्रोटोकॉल। गाइस, क्वेटो प्रोटोकॉल उसका नाम है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि यार हम अब क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल में कम से कम छोड़ेंगे क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपका ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, कौन से साल में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, बताओ। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में आया था दोस्तों? 1986, चांदनी ओझा ने सबसे पहले आंसर दिया, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। गंगा एक्शन प्लान भी मेरे दोस्तों इसी दिन आया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बताओगे कौन सी डेट को आता है? चलो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सी डेट को आता है? 5 जून, जानवी त्रिवेदी ने सबसे पहले आंसर दिया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सबने सुना होगा, कौन सी गैस है जिसके लीकेज के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? सब पढ़ाया हुआ है बेटा ये, मैं रिवाइज करवा रही हूँ ताकि देखूं कहीं भूल तो नहीं गए मेरे दोस्त। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कौन सी गैस के लीकेज की वजह से हुई थी? वर्तिका, उसको नॉस्टॉक कहते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर है नॉस्टॉक, मिथाइल आइसोसाइनेट। बिल्कुल दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्या साल बता सकते हो? 1984, याद रखना, शाबाश। वाटर प्रिवेंशन, वाटर की जो पॉल्यूशन है उससे, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया था कि भैया पानी बहुत गंदा हो रहा है, जल्दी से बताओ वाटर पॉल्यूशन एक्ट कौन से साल में आपका आया था, बता सकते हो? गाइस, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कौन से साल में आया था? 1974, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, 1974, शाबाश, 1974 में वाटर पॉल्यूशन एक्ट आया था। आपको सारी चीजें दोस्तों अब याद हो गई है, मुझे मजा आ रहा है। बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जैव विविधता कहाँ पे देखी जाती है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम जैव विविधता किधर देखी जाती है ये बताओ। ब्राजील में, जानवी ने फिर से सबसे पहले आंसर दिया, एक्सेलेंट जानवी। ब्राजील में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखी जाती है, जैव विविधता। ठीक है, याद रखना, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना है, सभी लोग एक बारी टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है इसके सारे नेशनल पार्क चैट में लिख दो, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ईमानदारी से सारे स्टूडेंट नेशनल पार्क को चैट में लिखेंगे, उंगलियों में सब कुछ याद कर लेंगे, मैं आपको याद भी सेशन में करवाऊंगी, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगी भी। फटाफट से एक बार एमपी राज्य के नेशनल पार्क लिख दो गाइस सभी लोग। मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फौसल, कान्हा और कून्हो। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फौसल, कान्हा, कून्हो, ये सारे के सारे आप लोग ध्यान में रखना, याद में रखना मेरे दोस्तों। ये एक एक क्वेश्चन मेरे भाई पेपर के अंदर आता है, महत्वपूर्ण। आपको सब कुछ याद भी होता जा रहा है तो सेशंस के अंदर मैं केवल पढ़ाऊंगी नहीं, एक एक चीज को याद भी आपको क्लास में करवाऊंगी। आज शाम को 6 बजे सब्जेक्ट की क्लास है, जो साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए आज शाम 6 बजे टीजीटी पीजीटी मैराथन के अंदर जरूर जुड़ना, आपको मजा आ जाने वाला है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, ताकि बीपीएससी 3.0, TRE 3.0 को क्वालिफाई कर लें। जिसको कोर्स खरीदना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रितिका कूपन कोड को लगाकर आपको डिस्काउंट के अंदर कोर्स मिल जाएगा, आप कोर्स को डिस्काउंट में खरीद सकते हो। क्लियर है? ठीक है, जानवी कह रही थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट, थैंक यू जी। अर्चना, वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं, कितना पढ़ते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम अलविदा करते हैं सभी को, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा आप लोग क्लास में आए, बढ़िया, सेशन को शेयर करा करो, रोज के रोज क्लास में जुड़ा करो लाइव। सो थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कभी भी पूछो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच। यार एक एक लाइक ठोको, पहले जाने से पहले सेशन में एक एक लाइक लगाओ, जब तक लाइक नहीं बढ़ेंगे ना, मैं देखूंगी लाइक नहीं किया है तब तक मैं नहीं जा रही। जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक ठोक दो, ठीक है? नीतू भारद्वाज ने बोला मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, यार थैंक यू सो मच गाइस, आप बेस्ट साइंस के टीचर हो, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यारे कमेंट करने के लिए। सुबह बाय, टेक केयर। एक एक लाइक ठोक देना, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। अब हम फिजिक्स पूरी कर चुके हैं, आज हमने टेस्ट मैराथन कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में पूरी आग लगा देंगे। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री खत्म करा दूंगी मैं एक दिन में आपको, फिर एक दिन में बायो, फिर एक दिन में सारे नेशनल पार्क, सारे एक्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, और उससे दोस्तों तैयारी हो जाएगी शानदार बिंदास। तो बाय गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़ते रहिए लाइव।